प्लीज जो भी चीज आप देखते हो जल्दी जज मत करो, उसको पूरा देखो। आर्टिस्ट को बहुत मेहनत लगती है काम करने में। आज मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पता है, एक महीना, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पांच महीने, छह महीने लगते हैं काम कंप्लीट होने में। इन लोगों को पता है, सिर्फ एक मिनट, दो मिनट देख के उसको जज मत करो। प्लीज उनको प्यार दो, सपोर्ट करो। प्लीज हर आर्टिस्ट की इज्जत करो। थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीवन। मनीष, देर इज अ सरप्राइज फॉर एवरी वन हियर। सिने प्राइम, मेरा सिने प्राइम और आप सबका सिने प्राइम एक सरप्राइज देने जा रहा है ऑडियंस को, मीडिया को और पूरे बॉलीवुड को। सिने प्राइम इज गोइंग टू डू अ वेब सीरीज विथ राखी जी एंड आदिल। ओह माय गॉड, एवरीबॉडी इस बात पे जोरदार तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीबॉडी। Many congratulations, congratulations. And Rocky ma'am. Thank you. सुनील जी भी हो और हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हो। कंफर्म मैम, उनके बिना तो बनी नहीं सकती। मैं अगर नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस। एक बार जोरदार तालियां और हो जाए, कम ऑन एवरीवन। और इससे पहले कि मैं ये मौका नहीं खोना चाहूंगी, आई विल रिक्वेस्ट हमारे डायरेक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस टीम को डायरेक्ट करने में, जरा बताइए। हेलो हेलो हेलो, सभी मीडिया जगत को नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं महेश भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि महेश भाई ने इस फिल्म में, वेब सीरीज में जान लगा दी है। और वो ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे बच्चे के लिए बाप चाहता नहीं मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जूते पहने, तो जो सुविधाएं मैंने ऐसे डायरेक्टर बोला उन्होंने प्रोवाइड किए। और इतने एक्टर को लेकर साथ में काम करना, कॉस्ट्यूम, लोकेशन, सब कुछ बेस्ट रहा। और मेरे सारे आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया, विधिका भंडारी ने, थोड़ी सी एक ही जगह प्रॉब्लम आई, बाकी सब तो कुछ अच्छा रहा कि हमारे इसमें गाना है, ग्लैमर सॉन्ग है जो इन पे इमरान भाई पे है। जितना मुझे गाना शूट करने में टाइम नहीं लगा क्योंकि बजट का इशू का था, तो प्रोड्यूसर जी बोले कोरियोग्राफी आप ही कर लो, क्यों बजट खर्चा बढ़ा। क्या बात हो गई है। तो जितना गाना शूट करने में टाइम नहीं लगा उससे ज्यादा मुझे इमरान को मनाने में लगा, कन्विंस करने में। मैंने भाई कर ले वरा सर, ऐसा मैंने देख बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि इमरान ने उसे कैसा परफॉर्म किया है, आपको जज कर पाएंगे। और विधिका जी बहुत खूबसूरत लगी है एक नए अंदाज लुक में, शाइल भाई। और हमने इसमें एक रेट्रो सॉन्ग भी किया है, वो एक नया अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। और म्यूजिक को आप लोग बहुत प्यार करेंगे। और मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी पूरी टीम थोड़ी सी डरी हुई थी सर, कैसा ओटीटी होगा, कहाँ होगा, ये होगा, बड़ा करो, ये करो। मैंने कहा देखो जो भी होगा अच्छा प्रमोशन होगा, और मनीष भाई ने आज सारे कलाकारों के अनुरूप उससे अच्छा प्रेजेंटेशन करके दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आ गया। थैंक यू, लव यू मनीष भाई, थैंक यू सो मच। सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक मौका लेना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप सब जोरदार तालियां बजाएं। वन ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स इज देयर विद अस, मिस्टर महेश मिश्रा, जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीवन। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। एंड एवरीबॉडी, वी हैव वन मोर सेलिब्रिटी गेस्ट विद अस ओवर हियर, जरा जोरदार ताली बजाएं फॉर अजीत पंडित। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर अजीत पंडित, इनके लिए जरा तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीवन, जॉइन अस हियर। अच्छा मनीष भाई, जरा तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीबॉडी फॉर मिस्टर अजीत पंडित। प्लीज प्लीज सर, प्लीज स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। क्या होता है जब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होता है तो यहाँ ना कितना मुश्किल होता है, सब जानते होंगे, राखी जी भी जानती हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट जो यहाँ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ आना और खुद को एस्टैब्लिश करना और अपने साथ साथ लाखों लोगों को काम देना, ये जो है कमाल की बात जो है मनीष जी में है। इसलिए जोरदार तालियां कि खुद को एस्टैब्लिश करना और अपने साथ साथ लाखों लोगों को काम देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो थैंक यू मनीष भाई सिने प्राइम लॉन्च करने के लिए, और मुझ जैसे और ये भाई लोग खड़े इन सबके लिए इतना सारा काम देने के लिए। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां बजाएं अजीत जी के लिए एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर एंड वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस। ऑलराइट राजू जी आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस वेब सीरीज जो आ रहा है? मैं बहुत देर से रुका हुआ था सर, माइक यहां से मार रहा है। लेजेंड्स को हम हमेशा बोलने देते, प्लीज स्पीक अ फ्यू वर्ड्स सर। नहीं, सबसे पहले तो बस सिने प्राइम को और सारे आर्टिस्टों को, डायरेक्टर्स को, टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नया प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को एक
नया प्लेटफॉर्म देगा और एक अच्छी सोच के साथ मनीष जी आए हैं कि मुझे कुछ भी बोल्ड नहीं बनाना है, कुछ भी पॉन टाइप का नहीं बनाना है, मुझे अच्छा बनाना है, एक फैमिली ऑडियंस के लिए बनाना है, ये बहुत एक अच्छी सोच है। तो ऐसी सोच वाले जो ओटीटी है इसे बिल्कुल जैसे राखी जी ने कहा कि आप लोग डाउनलोड कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि एल लग गए इतनी बड़ी हिट हो और इतना चर्चा हो जाए कि उस वक्त की जितनी सारी वेब सीरीज है उनके लग जाए, क्या लग जाए, एल लग जाए बाकी सबके, मतलब लॉकडाउन लग जाए, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये फैमिली क्राउड है तो हाँ समझने वाले को इशारा काफी है, राखी जी ने बिल्कुल सही कहा है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। सर एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं पूरी टीम को यहाँ पे बुलाऊं, ये जो हमारा जो मूवी, ये जो हमारी वेब सीरीज का जो नाम है, ये सजेस्ट किसने किया, किसके दिमाग में आया है, ये कौन बताएगा, मनीष जी बताइए ना, राज खोल दीजिए आप, ये राज खोल दीजिए। नहीं ये हम सब का कॉमन एक फैसला था, और मेरे किसी भी काम का हम सिंगल क्रेडिट नहीं लेते, तो मेरी पूरी टीम थी इसके पीछे। दैट इज सो कूल एवरीबॉडी। चलिए मैं ये मौका लेना चाहूंगी इससे पहले कि हम यहाँ पे ट्रेलर एंड सॉन्ग्स देखें, सो आई रिक्वेस्ट हमारी पूरी टीम ऑफ एल लगे टू प्लीज ज्वाइन अस फॉर अ ग्रुप फोटो। Yes, I request our celebrity guests to please be seated. Thank you so much. इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं. Thank you so much. Can we have the entire team joining us over here? महेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? All right, ठीक है. Cameraman Nadeem जी, Cameraman Nadeem जी, Pinku Dubey writer. Hello. All right. हमारे एक और मतलब मैं रियली सबको कहना चाहूँगी कि एल लग गए जो मैंने अभी प्रोमो देखे, गाने देखे, मतलब आप सोच सकते इतने हॉट, मतलब पसीने छूट रहे, बहुत अच्छा प्रोमो लगा। और साहिल, इमरान, मनीष जी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और एक फैमिली यंगस्टर्स अभी की जनरेशन के लिए और एक फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एल लग गए। जब लॉकडाउन हुआ था तो सबके कैसे तोते उड़े थे, तो वैसे एक शादी होती है और शादी में सडनली लॉकडाउन लग जाता है तो कैसे बारातियों का, दूल्हा का, दुल्हन का, उनकी फैमिलीज के तोते उड़ जाते हैं और एक कैसे फंस के एक हाउस में रह जाते हैं, तो उसकी ये स्टोरी है। बहुत अच्छा आपने डायरेक्शन किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लोग इसको एक बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके भी तोते उड़ जाएंगे। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन में ऐसा भी हो सकता है। वैसे सबके साथ तो लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है, लॉकडाउन पे जितनी वेब सीरीज फिल्में बने उतनी कम है, बट ये एल लग गए, एल लग गए मतलब इसको आप लॉकडाउन में एल लग गए, तो दोनों ही मीनिंग्स है, यू नो। बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छा काम किया। देखिए सिने प्राइम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी वेब सीरीज एल लग गए बनाई है। पूरी जैसे एक राइस प्लेट होता है, उसमें आपके पास चिकन भी रहता है, मसालेदार
सब्जी रहती है, दाल थोड़ी फिक्की रहती है, चावल रहता है, रोटी रहती है, तो तभी एक अच्छा राइस प्लेट बनता है। तो इसीलिए फिल्म तब बनती है जब एक दूल्हा और दुल्हन की लव स्टोरी के साथ एक एक कैरेक्टर ऐसे आते हैं तो उसमें थोड़ा रोमांस नहीं हुआ तो पब्लिक फिर बोले अरे यार इसमें तो कोई रोमांस ही नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। तो देखिए एक पूरी फिल्म बनाने के लिए आपको सब कुछ होना चाहिए। किसिंग विसिंग क्या है, अभी से थोड़ी शुरू हुआ है, जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से किसिंग शुरू हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान हाशमी जी, और इसमें इन्होंने भी, उनका नाम भी इमरान ही है जो इन्होंने, इनका तो लग रहा है इमरान जी का तो अभी तक लॉकडाउन खुला ही नहीं है, लॉक लगा क्या है। बहुत अच्छा है, लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, साहिल ने, सबने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है, डायरेक्टर साहब ने। मैं तो कहती हूँ कि मैंने तो डाउनलोड कर लिया है सिने प्राइम, आप लोग कब कर रहे हैं? मैं 9 दिसंबर को मैं तो देखने वाली हूँ। तो देश की जनता को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सिने प्राइम को आप लोग डाउनलोड करें और मेरे साथ बैठ कर एल लग गए जो लॉकडाउन में फिल्म बनी है। तो लॉकडाउन में एक फैमिली के साथ क्या होता है, क्या ट्रेजेडी होती है, क्या लव रोमांस होता है, उस पर ये फिल्म बनी है। मैं तो देखने वाली हूँ। अगर आपको रियली मज़े लेने हैं जिंदगी के और अच्छी एक साफ सुथरी फिल्म रोमांटिक देखनी है तो आप मेरे साथ ये सिने प्राइम पे ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। मैं काश मैं आपको दिखा सकती मेरी एक टांग, ये देखिए मैं तो एक टांग पे खड़ी हूँ आदिल जी के साथ रोमांस करने के लिए ऑन स्क्रीन। गाने डायलॉग्स बोलने के लिए आई एम सो हैप्पी के थैंक्स टू मनीष जी एंड सिने प्राइम के मैं और आदिल एक साथ में अच्छी वेब सीरीज़ के साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बल्कि अभी हम आपको नहीं ज़्यादा बता सकते उस पर भी स्टोरी एंड डायरेक्शन एंड हर टाइटल पे वर्क हो रहा है। बहुत ही अच्छा हम काम करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू सर। यहाँ पे और सबसे पूछो। देखिए खुशी के मौके पे ऐसी क्या बात कर रहे हो, मनुष्यों का नाम मत लिया करो खुशी के मौके पे, क्या है ये, ना ना इनको मुबारकबाद दो कि इनकी वेब सीरीज चले, आप समझ रहे हो। लेकिन 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 बेचारे ने बहुत पपड़ वेले हैं लॉकडाउन में शादी के चक्कर में, लेकिन इमरान ने बहुत मजे किए हैं। इमरान इतना मजे ले रहे हैं लॉकडाउन को लेके, वो चाहते हैं कि लॉकडाउन रहे एक दो साल और दो साल। देखिए हम किसी के बारे में अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, सारे कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में काम चल रहा है, नो कमेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट उसके भी जल्दी एल लग जाएंगे उसके भी जल्दी एल लग जाएंगे, वेट कीजिए। कौन मुझे अपने एल नहीं लगवाने, तुम्हारा टाइटल हिट कर दिया भाई। अभी किनसे पूछेंगे जी? हाँ वो तो है, वो तो है सर। बिग बॉस बहुत अच्छा जा रहा है, बिग बॉस की मैं कंटेस्टेंट हमेशा, हमने ओपनिंग ही की है डे वन से, बिग बॉस वन से लेके 16 तक, यू नो, एंड गॉड ने चाहा तो आपकी राखी जरूर दिखेगी, अगर गॉड ने चाहा तो। और बिग बॉस और मेरे लेजेंड भाई सलमान भाई, हाँ सरप्राइज मत बोलो, एल लग गए भाई, एल लग गए बाप रे। देखिए मैं बॉलीवुड से हूँ, मेरी कर्म भूमि है, मेरी मेरा बॉलीवुड है, और जो भी बॉलीवुड में लोग उनको कमज़ोर समझते हैं या उनके पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई भी हो, चाहे चाहे मैं उन्हें जानती ही नहीं हूँ, कोई भी हो, अगर मुझे लगता है कि वो बेकसूर है तो उनके लिए मैं बाहर आके लड़ती ही हूँ। लोग कहते हैं हाई सोसाइटी करके खामोश बैठते हैं, उनको लगता है यार हमारा केस थोड़ी है, हमें क्या लेना देना,
कोई मरे जिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। तभी पूरा बॉलीवुड मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उनके लिए लड़ती हूँ। यार सारे सवाल मुझे पूछोगे क्या? मेरी एल लग जाते हैं? अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं किसी के, देखिए मुझे बहुत गर्व होता है कि कोई बेकसूर है उनका, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। या मैं बॉलीवुड की एडवोकेट हूँ ये मान लीजिए, और मैं उनका केस लड़ती हूँ, और मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है, जहाँ तक कि मैं गलत नहीं हूँ। कुछ देखिए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को उनके उनको ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, हम क्यों किसी के लिए लड़े, हमें क्या ज़रूरत है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन मेरा जो ज़मीर है ना, वो मुझे ऐसा कहता है अगर किसी का कसूर नहीं है, अगर आप उसके लिए बोलते हैं तो इसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू, सी यू गाइस। आदिल, आदिल को पकड़ो। हाँ, अबाउट फिल्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अंदर जाके पता चला एल का मीन लॉकडाउन है, मुझे नहीं पता था, बट इट्स वेरी वेरी नाइस। आई कंग्रेचुलेट टू मनीष जी एंड ऑल द आर्टिस्ट। नहीं, कुछ और समझ गया था, मुझे मालूम नहीं ना जो तुम मुझे बोलती हो। ये मैं भी पहले वही समझी थी, बाद में पता चला लॉकडाउन, उसमें क्या डबल मीनिंग तो चलता ही है। मैं चाहता हूँ जनता से प्लीज ये सीरीज को सपोर्ट करे, बहुत मेहनत लगती है एक सीरीज बनाने में, बहुत महीने लगते हैं, बहुत काम, बहुत मेहनत का काम है। प्लीज उनको सपोर्ट करो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जनता, जनता ही माई बाप है, जनता ही सब कुछ है। जनता एक छोटी सी वेब सीरीज और फिल्म को करोड़ों कमवा के देती है, और मतलब अच्छा इसको सुपरहिट कर देती है। जनता को सिर्फ कॉन्सेप्ट पसंद आना चाहिए। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी वेब सीरीज भी कभी कभी नहीं चलती है, बट दिस इज अमेजिंग। एल लग गए, थैंक यू। वो उनसे पूछना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। अरे मुझे मत फंसाओ। किसको हुआ? छह महीने में हो, नौ महीने में हो, सात महीने में हो, मौसी तो बन गई ना मैं, उतना काफी है। और इतना किसी के जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी में क्यों घुसने का? मत घुसो, आपको बड़ा घुसने का शौक है। उनकी सबकी मर्जी अपनी होती है, शादी हो गई ना बस, और क्या, बच्चा हो गया ना, मौसी बन गई, बस खत्म, और क्या। हेलो, बहुत ही खूबसूरत, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया काम करने में, और एक बहुत प्यारी चीज़ हमने बनाई है, और हमें बहुत पसंद आई। और हम ये आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस, पूरे भारत की ऑडियंस और पूरी दुनिया में बसे हुए जो इंडियंस हैं, अदर लैंग्वेज वाले, सबको पसंद आएगी ये मूवी, ये वेब सीरीज़। नाम को हम क्लियर करना चाहते हैं, इसका पूरा नाम है लॉकडाउन लग गए, इन शॉर्ट हम लोग इसको एल लग गए बोलते हैं, आप इसको अन्यथा ना ले। और दूसरी चीज़, व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? जी जी, बहुत ही सिंपल लड़का है जो अपनी किसी से प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, शादी के लिए भी फैमिलीज मान जाती हैं, और कैसे क्या सिचुएशन होती है कि जब वो बारात लेकर जाता है तो क्या होता है उनकी फैमिलीज़ के बीच में। अब एक जगह में दोनों फैमिलीज़ बंद जाती हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसा है। बाकी मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्वीट सिंपल है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम नॉर्मल सब हम होते हैं। एक छोटे शहर का लड़का है और छोटे शहर की फैमिली है, और उनके बीच में कैमराडरी है जी। हाँ जी, जब
सर वैसे ही अनुभव रहा जैसे सबका था, बहुत ही मुश्किल हुई, दिक्कत बढ़ी सारी, बट हाँ पहले लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन में सब पता चल गया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हाँ दिक्कतें आई, बट देन बहुत सी सुविधाएं थी जो गवर्नमेंट ने दी हमें, उसकी वजह से सब ठीक भी था, ठीक चल पड़ा। सर मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। इनसे पूछिए डायरेक्टर। इस नाम को थोड़ा कैची बनाने के लिए, और पहले ही हम बता चुके आप अन्यथा ना ले, इसका नाम लॉकडाउन लग गया ही है। नहीं देखिए ये द्विअर्थी जरूर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ वल्गर नहीं है, और आप देखेंगे फिल्म में तो आपको समझ में आ जाएगा। हम तो क्लियर लॉकडाउन ताला लगा दिया था, समझ रहे कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, सिम्बॉलिक है पूरा वो। सर स्टोरी एक लड़का है जिसको शादी करना है, उस परिवार को बड़ी उम्मीदें हैं कि उसकी शादी होगी तो उनके वंश का परिवार का नाम आगे बढ़ेगा, और बड़ी उम्मीदों से बारात जाती है, शादी की तैयारियां होती है, और जैसे ही ये लोग फेरे पड़ने वाले होते हैं और मालूम पड़ता है कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया है, उस डर से पंडित जी भाग जाते हैं जी। तो पूरी कहानी उसी के आधारित है, और कैसे परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सारी चीज़ें सबने बताई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं ये कहूँगा कि बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम करा है, बट सर एक सर की स्पेशलिटी बोलूँगा कि बहुत फास्ट काम करते हैं, जो जितने सीन्स दिन के लगाए जाते हैं वो पूरे ख़त्म होते हैं, मेरे को लगता है और भी ज़्यादा लगाए थे, सो वन ऑफ द फास्टेस्ट शॉटिंग मतलब जिन्होंने शूट करा है डायरेक्टर, ही इज़ वन ऑफ दम विच आई हैव वर्क विद, और बहुत अच्छा शूट करा है, ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में कुछ मतलब इधर उधर हो गया, बहुत अच्छा शूट करा है जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपने देखा है अभी ट्रेलर में, सो या बहुत मज़ा आया। मेरा किरदार तो बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग है, मेरे दोस्त की शादी हो रही होती है और मैं अपनी मगन अपनी जगह पे मगन रहता हूँ। बाकी आपने देखा होगा किस सीन में आप लाइक किस सीन के बाद क्या सीन है वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये वल्गर है, इसमें किस की गई है या ऐसा कुछ है, आप लाइक ज़रूर देखिएगा एक बार, वो सस्पेंस वो बता नहीं सकते, अगर वो बता दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, एल लग जाएंगे। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने कुछ सीरियल्स किए एज एन कैरेक्टर, और कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मुझे मुंबई में। मेरी आयशा कपूर एंड वेदिका भंडारी, साहिल आनंद। उम्मीदें तो बहुत हैं, एक मौका मिला है मुझे परफॉर्म करने का, तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। यस, लॉकडाउन के समय में दिमाग फ्री था, ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहे थे, और एक अच्छा आइडिया आया जिसको हमने वेब सीरीज़ के रूप में आपके सामने लेके आए। अभी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि एक सरप्राइज़ हमने दिया है, राखी जी के साथ आ रहे हैं, राखी जी और आदिल जी के साथ में आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग है विथ मैनी नोन पीपल ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड नोन डायरेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। थैंक यू। वेदिका जी, वेदिका एमएक्स प्लेयर पर आफ्टर पूरी नहीं होगी, इंदौरी इश्क के बाद इनका पहला वेब सीरीज आ रहा है। हाँ जी, इंदौरी इश्क के बाद ये मेरा पहला वेब सीरीज है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ेदार लग रहा है, मैंने भी आज ट्रेलर पहली बार देखा, गाने पहली बार देखे, सो आई एम एक्साइटेड। कुछ नहीं पूछना चाहता है। बहुत मज़ा आया, आई थिंक हम लोग सेट पे भी काफ़ी मस्ती करते थे, हम रील्स बनाते थे, इमरान हमें सिखाता था, तो मज़े भी किए, हमें रील्स बनाना इमरान ने सिखाया, हर शॉट कैसे लेना है, थैंक यू, वो इसका एक्सपर्टीज है। हाँ, और मेरा डेली का काम है। किस के लगे? सिर्फ उत्कर्ष के लगे, हमारे नहीं लगे, उत्कर्ष ही नुकसान में, बाकी सब फायदे में, हम फायदे में, मैं ही नहीं मिल पाया दुल्हन से। हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? उर्मिला जी, आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। फिल्म के बारे में ये कहूंगी कि मैं वेदिका की माँ का रोल कर रही हूँ। नॉर्मल शादी में ही माँ के ऊपर इतना प्रेशर होता है
तो लॉकडाउन में बारात रुक गई है घर पे, कब जाएगी पता नहीं है, तब सोच सकते माँ की क्या हालत हुई होगी। तो फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा देख के, सब देखें। ये हीरो की मदर शंसन जी। हेलो जी, सबने तो सब कुछ कह दिया, अब मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है और बहुत ही साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं है कि जो सीन्स देख के डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये कर ले कि पता नहीं क्या इसमें आगे होगा, लेकिन जो भी आप देखेंगे बाद में खुद ही डिसाइड करेंगे कि बहुत अच्छा और फैमिली के साथ देखने वाला ये। और ये हमारे राजेंद्र राठौड़ सर बहुत कंफर्ट करा के, मैंने मतलब सभी एक्टर को कंफर्ट करा के इन्होंने काम लिया है, चाहे लेट नाइट हो जाए लेकिन किसी एक्टर को चूँ नहीं निकलना है क्योंकि हमारे राजेंद्र सर साथ में थे। सो बहुत अच्छा लगा सर हम लोगों को साथ में काम करके, स्पेशली मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम भानुशाली जी की चाची का रोल